अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं एक डेज़र्ट रेसिपी शेयर करूंगी जो कि सिर्फ आधा लीटर दूध से बन जाती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और ये ठंडी भी होती है, तो इस मौसम में अगर आप उसको बना के खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो चलिए इस डेज़र्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमको लगेगा आधा लीटर दूध। आप दूध कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल फैट क्रीम दूध भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल वाला भी। तो आधा लीटर दूध डालेंगे, एक सॉस पैन में लेंगे। अब इसमें डालेंगे शक्कर 100 ग्राम, या शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट जाएगा जो कि है कॉफ़ी। जी हाँ, इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून। अच्छा, मैंने यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं यूज़ की क्योंकि मेरे पास ये नहीं थी ज़्यादा क्वान्टिटी में, तो मैंने नॉर्मल कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है। अगर आप नॉर्मल कॉफ़ी से भी इसको बनाएंगे तो वही टेस्ट आएगा, पर आपको यहाँ पर जो है इसको एक बार स्ट्रेन कर लेना है। जब इसको दूध में मिक्स कर लेंगे तो तब यहाँ पे इसको स्ट्रेन करेंगे। इस कॉफ़ी में जो है 50 ml के करीब जो है पानी डाल के इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें। इस कॉफ़ी में जो है जो भी अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स निकलते हैं ना, उसको स्ट्रेन कर लेना है। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को जो है दूध में ऐड कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो भी अनडिजॉल्व पार्टिकल्स है उसको स्ट्रेन आउट कर लें। स्ट्रेन करने से ये जो है चंक्स इसके खाते वक्त जो है नहीं आएंगे। अब इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो मिक्सचर है ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, यानी कि शक्कर जितनी भी थी इसमें डिजॉल्व हो गई है। अब इसको स्ट्रेन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में कॉर्नफ्लोर लेंगे 3 बड़े चम्मच और इसमें पानी डालेंगे। पानी आप इसको कॉर्नफ्लोर के पाउडर को मिक्स करने के लिए जितना आपको लगेगा उतना डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि कोई इसमें लम्ब्स ना बने। ये देखिए, अब ये अच्छी तरह से जो है मिक्स हो चुका है। अब इसको भी हम यहाँ पे इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। अब यहाँ पे शक्कर और कॉफ़ी पाउडर, कॉर्नफ्लोर तीनों अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम गैस पे इस पैन को रख देंगे और इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे रखते हुए इसको पकाएंगे, अच्छी तरह से इसको पकाएंगे तब तक कि ये अच्छा सा थिक ना बन जाए। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक और क्रीमी फॉर्म में आना है, तब तक इसको अच्छी तरह से पकाना है। पकाते हुए इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है ताकि लम्स वगैरह ना बने और ये नीचे से लगेगा भी नहीं इस तरह से कंटिन्यू अगर आप चलाते रहेंगे तो। ये देखिए, ये इसकी थिकनेस है। कुछ इस तरह से आपको जो है इसको पकाना है। अब यहाँ पे मैंने 6 सर्विंग बाउल लिए हैं, इसमें डाला है मैंने बिस्किट क्रम्स। कोई भी बिस्किट ले सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे गुड्डे बिस्किट लिए हैं और इसके क्रम्स बना लिए हैं, या फिर आप इसमें डायरेक्ट बिस्किट भी डाल सकते हैं। इसको हल्का सा प्रेस कर लें और जो ये हमने कॉफ़ी का मिक्सचर बना लिया था उसको डाल दें। इसको यहाँ पे ठंडा करने के लिए ना रखें, ताकि अगर ठंडा करने के लिए रखेंगे तो उस पर फिर से एक लेयर बन जाती है। तो जब गर्म है तभी इसको आप डाल के जो है सर्विंग बोल में या फिर ट्रे में, डिश में, आप कोई भी जो है उसमें डाल के उसको 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लेंगे इंस्टेंट कॉफ़ी। यहाँ पर इंस्टेंट कॉफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अब हम इसको जो है डालगोने कॉफ़ी जैसा होता है उस तरह का इसका फोम बनाना है। 2 बड़े चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी लेंगे, 2 बड़े चम्मच शक्कर डालेंगे और गरम पानी डालेंगे 2 चम्मच। तीनों इक्वल क्वांटिटी में होना है। अब इसको जो है विस्क करना स्टार्ट करेंगे। विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप हैंड विस्कर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह की अगर मशीन है तो ले सकते हैं। इसका एक और इसका रिप्लेस करके आप उसका एक और स्टेप है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी आइसक्रीम जो कि कॉफ़ी फ्लेवर हो या फिर चॉकलेट फ्लेवर हो वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से बनाएंगे तो एक डेज़र्ट का टेस्ट थोड़ा सा अलग आएगा। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से विस्क करते जाएंगे।
ये जब तक विस्क करेंगे तब तक के इसमें अच्छा सा एक फोम जैसे ना बन जाता है ना, ये देखिए यहाँ पे इसका फोम बन चुका है। ये देखिए अब जो रेफ्रिजरेट करने के लिए हमने रखा था वो उसको निकाल लेंगे और इसकी जो है फर्स्ट लेयर यानी कि ऊपर इससे इस फोम को हम अच्छी तरह से डाल के स्प्रेड कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी दिखता है दोस्तों, आप इसको ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सिंपल है, आसान है, नई भी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।